सब बोलो बाबूराव। ये समझो कि पूरी दुनिया सुन रही है। ऐसा साहब, मुंबई में एक प्लाट है, किधर सी कासल बिल्डिंग है ना कोलाबा में, उसका बिल्कुल सामने है। मैं उधर ही काम करता था। उधर एक कुत्ता था, वो पूरा टाइम बीमार रहता था। कुत्ता लोग मुझे पसंद नहीं, मेरे को रेस कोर्स में इंटरेस्ट है। औरत मेरा छोड़ के चला गया, इतना इंटरेस्ट। अभी आदत का क्या है साहब, अच्छी हो बुरी हो अजमाती जरूर है। तो डरबी का दिन मैं किस्से में 500 रुपया लेकर महालक्ष्मी को निकला, तो क्या देखा, वो दिन कुत्ता फुल बीमार, ऐसा लगा एकदम ऑफ होने को। मेरे दिल में कुछ तो भी हो गया सा, कुत्ते लोग मुझे पसंद नहीं, खाली 500 किस्से में। लेकिन वो दिन मैं घोड़े का पैसा कुत्ता पर लगाने का डिसाइड किया। जानवर का डॉक्टर का पास ले गया, डॉक्टर 2 इंजेक्शन मारा, बोला एकदम टाइम पर लाया तुम इसको, जान बच गया। कुछ दवा बवा दिया, डिस्चार्ज किया, 400 का फटका, अभी बचा कितना, 100। कुत्ता को वापस प्लाट पर छोड़ा, मैं महालक्ष्मी गया। साहब बोलेगा तो बिलीव नहीं होगा तुमको, वो दिन 100 रुपये से मैं डर भी जीता। का नाम बबलू रखा मैं, बबलू, यकीन हो गया मेरे, वो दिन मैं रेस जीता तो बबलू का वजह से ही। फिर मैं आसपास का कुत्ता लोग को भी थोड़ा देखभाल करना चालू कर दिया, अंदर किधर तो भी अच्छा लगता था ये सब करके। मानने को नहीं होएगा साहब, रिस्क उस पर भी हर टाइम थोड़ा बहुत करके मैं जीतता रहता। सही था ना साहब, हम तो जरिया है, ऊपर वाला दे रहा था कुत्ता लोग का देखभाल हो जाए। तभी प्लाट पर काम चालू हो गया। ये माले का बिल्डिंग का मंजूरी था, वो कारगिल में शहीद हुए ना अपने सिपाही लोग, उनका विधवा लोग के लिए। पहला प्लाट पर खाली मैं रहता था और कुत्ता, फिर धीरे धीरे एक दो बड़ा बड़ा गाड़ी आने लगा डेली, और 6 मंजिला का बिल्डिंग धीरे धीरे ऊंचा होता गया। पहला 7, फिर 8, बड़ा बड़ा गाड़ी आता गया, बिल्डिंग और ऊंचा होता गया। 6 मंजिला से बाबा 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 31 मंजिला तक। मेरे को लगा कुछ तो लफड़ाए करके, पर अपुन को क्या बोल के चुप बैठा। फिर एक दिन मैं अपना बच्चा लोग को, कुत्ता लोग को
रोटी में दवा डाल के खिला रहा था कि एक मस्त गाड़ी में आर्मी का एक बड़ा ऑफिसर आया। इंग्लिश में बोमा बोम करने को लगा, व्हाट दिस, गेट आउट, बाहर निकालो इनको, क्या बकवास पंती है करके। अरे भाई तुमको काटा क्या हा? तुम अपना काम करो, मैं ऐसा सोचा। फिर उसका आदमी लोग, मेरा बच्चा लोग को मार मार के अकालने को लगा। मेरे को भी धक्का दिया, बाहर कर दिया। आदमी को ना उंगली नहीं करने का सब। मैं अपना बच्चा लोग को लेके लोकेशन बदला और आवाज करना शुरू कर दिया, ये प्लाट पर कुछ कालाकांडी हो रहा है। मुंबई में वैसे भी जोर से आवाज करो 10 जन जमा हो जाते। ऊपर वाला भी बराबर साथ दिया, देवतारी तेला कौन मारी। मैं और भी जोर से चिल्लाया, खाने पीने का टेंशन था ही नहीं, वो तो रिस्क को संभाल रहा था। मैं और जोर से चिल्लाया, मीडिया लोग आके वो प्लाट पर फोटो निकालना शुरू कर दिया। चैनल वाले का फोन आया मुलाकात के लिए, इंटरव्यू लेना है। क्या बाबूराव, सब ठीक ठाक? टीवी देखना, शाम को पता चलेगा। बाबूराव, जय बख्शी। इंटरव्यू का आधा कलाक पहले तुम्हारा वो लड़का जय आके मेरे को बोला कि मेरे जान को डेंजर है, अगर जिंदा रहना है तो उसके साथ इधर दिल्ली आ जाओ। अफसोस का बात क्या है साहब, वो बिल्डिंग तो बना शहीद का विधवा लोग के लिए, उसको खा जाएगा नेता और नेता का चमचा लोग। ऊपर से ये सारा चक्कर में मेरा बच्चा लोग भी मेरे से दूर हो गया, ये बात का दुख अभी भी है। कोई बात नहीं, अब सब साथ हो जाओगे। बबलू कहाँ है? अभी क्या होगा साहब? अब बबलू सरकार गिराएगा बाबूराव।